जय हिंद लोफी। और कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मस्त एकदम। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास बिना टाइम बर्बाद किए। ये है, जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि पार्ट थर्ड, ठीक है, वीडियो नंबर 3 एक सीरीज़ की चल रही है हमारी, जिसमें पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और हम इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एनसीईआरटी ध्यान रखना, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग डिस्कस, ठीक है, जिसमें 2 क्वेश्चन इससे पुराने वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। जिन लोगों ने ना देखी हो वो देख ले, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक सेंड कर दूंगा, लिख कर रखूंगा, और आप उसे क्लिक कर पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख सकते हैं। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम सिर्फ डिस्कस हम मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ आपको आंसर कैसे लिखना, हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान रखना, लॉजिक के साथ। तो अगर किसी ने चैप्टर बहुत डिटेलिंग में ना भी पढ़ा हो तो वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे आंसर लिखने का तरीका क्या है। एनसीईआरटी की बुक का एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं इस वीडियो में हम लोग, तो जिसमें जो क्वेश्चन है वो इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान रखना, बुक का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है। जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। रिएक्शंस आप देखेंगे, 2 मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। टोटल हमारे पास क्वेश्चन में 4 रिएक्शंस हैं, हम लोग चारों कवर करेंगे आज। लेकिन पहले शुरुआत की 2 बता देता हूँ, फिर उसके बाद बाकी 2 आप अपनी आप भी कंप्लीट कर सकते हैं, हालांकि हम वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में देखोगे कि ये कंपाउंड दे रखा है हमारे पास, ठीक है। पहले तो कंपाउंड की पहचान करनी आनी चाहिए, जैसे कीटोन, क्योंकि सी डबल बॉन्डो ग्रुप है और आइदर साइड कार्बन चेन है हमारे पास, तो ये एक साइक्लिक कीटोन है, ठीक। और ये जो कंपाउंड है ये है हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। हाइड्रोक्सिल अमाइन का मतलब NH2 सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप, ठीक है, जहाँ OH के लिए हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल और NH2 के लिए कहते हैं अमाइन, तो दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, जैसा एच पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, और आपको कंप्लीट करनी है रिएक्शन। बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आया है? ये एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आया है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में 7 अलग अलग तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और उसका शॉर्टकट मैंने रेगुलर क्लास में ये बताया था सब लोगों को, और जिन लोगों ने रेगुलर क्लास नहीं भी अटेंड करी है वो भी सुन लो, कि जब भी किसी एल्डिहाइड और कीटोन, ध्यान से सुनना बात को, जब भी किसी एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन में कॉमन कौन सा ग्रुप होता है? सी डबल बॉन्डो ग्रुप, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ कीटोन का, ये मत सोचिए ये एल्डिहाइड का भी। अगर इस तरफ हम कार्बन चेन और यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, और दोनों तरफ कार्बन चेन लगा देंगे तो ये बन जाएगा कीटोन। जब भी किसी एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड के साथ, अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड, यह है एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई भी एक, अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड क्या हुआ है? अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड वो है जो अमोनिया से बने। अमोनिया क्या है? NH3। NH3 से एक हाइड्रोजन हटा और कोई भी चीज़ जोड़ दो तो बन जाता है अमोनिया डेरिवेटिव। तो अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड की पहचान होती है ये वाला ग्रुप, NH2 ग्रुप। NH3 में से एक हाइड्रोजन हटाकर मैंने एक जी लगा दिया, यानी ग्रुप लगा दिया, तो ऐसे बोलता है अमोनिया डेरिवेटिव। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में 5 रिएक्शन होती हैं, 5 अलग अलग अमोनिया डेरिवेटिव्स हमारे कोर्स में। एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन जब भी ऐसे कंपाउंड्स हो जिसमें NH2 ग्रुप आ रहा हो, कौन सा ग्रुप? NH2 ग्रुप, ठीक है, जिसमें NH2 ग्रुप आ रहा हो, तो आपको बहुत आसान काम करना है प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्या करना है? आपको सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देना है। हम लिखेंगे इसे इस तरह से कि NH2 के 2 हाइड्रोजन और एल्डिहाइड और कीटोन का जो ऑक्सीजन है वो आमने सामने हो, क्योंकि ऐसा अगर आप लिखोगे तो आप आसानी से वाटर को निकाल कर दिखा सकते हो H2O। तो यहाँ पर माइनस करके लिख देंगे हम लोग, माइनस करके लिख देंगे H2O, ठीक है, वाटर निकल गया। अब आप गौर करोगे तो इस कार्बन के चेक करो कितने बॉन्ड कम हो गए, 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन जाने के बाद 2 बॉन्ड कम हो गए। नाइट्रोजन के भी कितने बॉन्ड कम हो गए, 2 बॉन्ड, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है तो 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाएंगे। तो कार्बन के भी 2 बॉन्ड कम हो गए और नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड कम हो गए। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है वो किसमें, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वाटर निकलने के बाद, वाटर निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जी। तो जी सारी रिएक्शंस, सारी इस तरह की रिएक्शन जहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन NH2 ग्रुप वाले कंपाउंड से, NH2 ग्रुप यानी अमोनिया डेरिवेटिव, तो सीधा आपको वाटर निकालना है और जो बची है उसे जोड़ना है, दैट्स इट। तो ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से 4 रिएक्शन है इस क्वेश्चन में, चारों के चारों रिएक्शन आप देखेंगे बिल्कुल इसी कैटेगरी की रिएक्शन है, बहुत आसान कंप्लीट करना। तो चलो करते हैं।
ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये कीटोन ग्रुप है और ये देखो NH2 ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है। अब हम इसे लिखने का, भले ही आपके बुक में NCERT की बुक में या किसी भी बुक में क्वेश्चन इस तरह से लिखा हो, लेकिन हम अपने तरीके से लिखेंगे। इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं इसे ऐसे आंसर में कि ये हो गया कंपाउंड साइक्लोपेंटेनॉन, फिलहाल नाम से कोई मतलब नहीं है, ये कीटोन ग्रुप है देखो, सी डबल बॉन्ड ग्रुप, और NH2 सिंगल बॉन्ड OH को हम लोग ऐसे लिखेंगे NH2 सिंगल बॉन्ड OH। तरीका समझ रहे हो ना आप लोग, मैं NH2 के दो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की तरफ रखना चाह रहा हूँ ताकि वाटर निकाल कर दिखाना आसान हो जाए, ठीक है। तो जब भी किसी एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन NH2 ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ होगा, ये दिमाग में रिवाइज करते रहना ये बात, जब भी रिएक्शन करोगे, जब भी किसी एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन NH2 ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ होगा तो क्या करना है आपको, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देना है और जो बच गया है उसे जोड़ दो। कार्बन और नाइट्रोजन के दो दो बॉन्ड कम हो गए तो इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच का बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, यह बनेगा जी प्रोडक्ट डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। प्रोडक्ट बनकर तैयार हो, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, बस होगी रिएक्शन कंप्लीट। क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। हालांकि कंपाउंड का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड NOH ग्रुप होता है उन्हें ऑक्साइम्स कहते हैं हम लोग, ठीक है, ऑक्साइम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी हम नाम पर नहीं जा रहे, हम सिर्फ रिएक्शन कंप्लीट करना सीख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन की डिमांड है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट ये है। देखो ये भी कीटोन ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ग्रुप है और दोनों तरफ कार्बन चेन है। यहाँ पर देखो ये NH2 ग्रुप नजर आ रहा है हमें, ठीक है। ये जो कंपाउंड है इसका नाम एक्चुअली में 2,4-DNP है, 2,4-dinitrophenylhydrazine, ठीक है, इसका नाम है। तो लेकिन अभी नाम से हमें मतलब नहीं, उन्होंने बोला सर रिएक्शन कंप्लीट करो, तो हमें क्या पता चल गया कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन जब भी NH2 ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ होगा तो वाटर को निकालना है बार, और जो बच गया उसे जोड़ देना, बस इतना करना है आप लोगों को। कोई प्रोडक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेथड याद करने की जरूरत है। तो अब जब आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखेंगे इसका इस तरीके से, तो ये है कंपाउंड हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं डबल बॉन्ड ओ और NH2, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास रखो, लॉजिक आप लोगों को मालूम है सब लोगों को क्यों, ठीक है। यहाँ पर बना देते हैं बेंजीन रिंग, एक NO2 ग्रुप इधर है और एक NO2 ग्रुप इधर है। जब रिएक्शन होगा इन दोनों के बीच में तो क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर, माइनस करके लिख देते हैं यहाँ पर H2O, और जो बच गया उसे जोड़ दो। इस कार्बन के देखो दो बॉन्ड कम हो गए, इस नाइट्रोजन के देखो दो बॉन्ड कम हो गए, तो वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो बस आपको इसे और इसे जोड़ना है, ठीक है, दैट्स इट। तो जोड़ देते हैं इसे, यह है साइक्लोहेक्सेन, फिर यहाँ पर लगा देते हैं डबल बॉन्ड N, ठीक है, ये N आ गया, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड NH, तो जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिख रहा हूँ मैं, फिर इसके बाद आ गया सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग, ये आ गया सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग, ठीक है, इसे बेंजीन बना देते हैं, ये हो गया NO2 ग्रुप एक इधर और ये हो गया NO2 ग्रुप एक इधर, ठीक है, प्रोडक्ट बन करता है यार। तो इस तरह से जो बच गया बस उसे जोड़ना है, क्लियर है सब लोगों को। इसके दो एग्जांपल और हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि अब वो एग्जांपल आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन पूरा कवर कर लेते हैं। तो अगला जो इसका पार्ट है वो पार्ट है ये नंबर सी, जो इन्होंने दे रखा है बुक में, वो दे रखा है बेंजीन के साथ सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड सी एस्टर, यानी एसीटोफिनोन, ऐसे लिखा हुआ है इन्होंने, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख रहा हूँ मैं, बेंजीन के साथ सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री, ठीक है। कंपाउंड को एसीटोफिनोन के नाम से जाना जाता है, और सी एस थ्री सी एच टू एन एच टू प्लस सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू, ठीक है, एच पॉजिटिव। तो कंप्लीट करनी है जी रिएक्शन। अब रिएक्शन कैसे कंप्लीट करनी है, कई बच्चे ये सोचते हैं कि जी हमें तो इतनी सारी रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी, इतनी सारी रिएक्शन याद नहीं करनी आपको, आपको पैटर्न याद करना है, ऐसा कई ग्रुप याद करना है ग्रुप। तो हमने जो आज ग्रुप पढ़ा है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो ये है कि अगर कोई भी कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन है, जैसे कीटोन ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ग्रुप और दोनों तरफ कार्बन चेन, तो कोई भी कंपाउंड अगर एल्डिहाइड और कीटोन के कैटेगरी में फॉल करता है और उसका रिएक्शन किसी NH2 ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ होता है, तो अगर आपको NH2 ग्रुप नजर आ गया तो समझ लो क्या निकालना है, वाटर निकालना है। और वाटर निकालने के लिए ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आसपास रखेंगे तो हमारे लिए वाटर निकालना और जो बच गया उसे जोड़ना आसान होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे थोड़ा अपने तरीके से इसे, देखो कैसे। तो ये हो जाएगा बेंजीन रिंग है, सी डबल बॉन्ड हो सामने लिख देते हैं और सी एस थ्री नीचे लगा दो या ऊपर लगा दो, बात एक ही है, प्लस ये NH2 ग्रुप इसके सामने लिख देते हैं ताकि वाटर निकालना आसान हो जाए, क्योंकि NH2 के दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकलने वाला है, NH2 के साथ है CH2
और फिर उसके साथ है CH3 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे। ये ब्रैकेट बना दिया हमने और माइनस करके लिख दिया H2O। इस कार्बन के देखो दो बॉन्ड कम हो गए ऑक्सीजन जाने के बाद, नाइट्रोजन के दो बॉन्ड कम हो गए, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो जो बच गया उसे जोड़ना है डबल बॉन्ड से बस। ठीक है, तो यहाँ से बनाना शुरू करते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारे पास बेंजीन, फिर यहाँ पर आ गया कार्बन, इसके नीचे CH3 ग्रुप, डबल बॉन्ड N, ठीक है ये N, फिर CH2 और फिर CH3, बस बन गया प्रोडक्ट। और इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को? तो याद थोड़ा करना है आपको ये कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, आपको सिर्फ पैटर्न याद करना है कि कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन है NH2 वाले का कंपाउंड से कराएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकलना है, बस दैट्स इट। ठीक है, अब आखिरी पार्ट देख लो इसका। लास्ट पार्ट जो दे रखा है वो है RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इस तरह से लिख लेते हैं। पार्ट नंबर डी जो दे रखा है इसका वो है RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO प्लस, इसका रिएक्शन कराया उन्होंने किसके साथ, इसका रिएक्शन करा रहे हो NH2C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराने के लिए करें इस तरह से, कंप्लीट करनी है रिएक्शन। अब देखो ये जो चार रिएक्शन हमने पढ़ी है ना, ये इसको मिलाकर जो फोर्थ और रिएक्शन पढ़ रहे हैं, सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। और हमें तो कोई कुछ गलती नहीं कर सकता, सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि वाटर निकल रहा है। लेकिन इसमें एक टेक्निकल चीज़ है जो हम लोग नॉर्मल रेगुलर क्लास में भी मैंने आपको रीजनिंग के क्वेश्चन में करवाए है। आप अगर याद करोगे तो जो पांच अमोनिया डेरिवेटिव हमारे कोर्स में है कौन कौन है, पहला हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2 सिंगल बॉन्ड OH, दूसरा हाइड्राजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तीसरा फिनाइल हाइड्राजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH, यानी हाइड्रोजन से एक छाटाओ और एक बेंजीन रिंग जोड़ दो तो NH2 सिंगल बॉन्ड NH और साथ में बेंजीन रिंग। फोर्थ 2,4-DNP जो अभी हमने इससे पहले बनाया था 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन, और फिफ्थ है ये कंपाउंड जिसे बोलते हैं हम लोग सेमीकार्बाजाइड। सेमीकार्बाजाइड का फॉर्मूला याद रखने का मैंने एक आसान तरीका बताया था, याद है आप लोगों को, यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। क्या है यूरिया का फॉर्मूला? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NH2, ये याद रखो बस, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। जीके का भी क्वेश्चन है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करा गया था वो यही है यूरिया। ठीक है, फर्टिलाइजर आपको क्या करना है, यूरिया में से एक है छटा दो, चाहे इधर से आपकी मर्जी है, एक है छटा कर एक NH2 ग्रुप जोड़ दो, बन गया देखो ऊपर वाला कंपाउंड, ऐसे याद करना है। तो सोचोगे तो ट्रिक बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कंपाउंड है सेमी कार्बाजाइड। अब क्वेश्चन क्यों इंटरेस्टिंग है? क्वेश्चन इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि और कंपाउंड में तो एक एक NH2 ग्रुप नजर आता है हमें, और जितने भी कंपाउंड देखोगे आप सब में एक NH2 ग्रुप है, लेकिन ये इकलौता ऐसा अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड है जो पांच हमारे कोर्स में है जिसमें दो NH2 ग्रुप है, एक ये वाला और एक ये वाला, देख लो दो NH2 ग्रुप है। अब सवाल ये है कि वाटर निकाले कहाँ से, वाटर निकालने के लिए कौन से NH2 ग्रुप का इस्तेमाल करें और किसका ना करें, या किसी का भी कर ले, ऐसे बहुत सारे तरह के सवाल हमारे दिमाग में हो सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये जवाब आ रहा है कि कोई सा भी यूज़ कर लेंगे तो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर देखो यहाँ से आप ये वाला हाइड्रोजन हटाओगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा आप खुद सोचो, ठीक है, जो बच गया उसे जोड़ दो, जो प्रोडक्ट बनेगा वो अलग बनेगा। और इस NH2 से अगर हाइड्रोजन हटाओगे, दो हाइड्रोजन हटाओगे ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाकर बाहर, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अलग, तो इसलिए हटाना तो कोई एक है, कौन सा हटाना है ये जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि कौन सा नहीं हटाना है। तो आप जरा ध्यान से सुनो, आपको क्या कर रहा है कि जो NH2 ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो बता रहा हूँ मैं आपको, वो नहीं करेगा, ये वाला नहीं करेगा सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप, दिस NH2 ग्रुप विल नॉट पार्टिसिपेट इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इट विल नॉट पार्टिसिपेट। वाई? बिकॉज इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू सी डबल बॉन्ड ग्रुप। सो डायरेक्टली बॉन्डेड है तो क्या हुआ, डायरेक्टली बॉन्डेड है तो ऐसा है कि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके कारण रेजोनेंस होती है इनके बीच में। ठीक है, इट विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विद दिस कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह बदलकर इधर और कभी इधर से इधर और कभी इधर से इधर आ जाएगा। तो ये जो NH2 ग्रुप है जो सी डबल बॉन्डों के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, इट पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस। रेगुलर क्लास में मैंने आपको बना के भी दिखाया था स्ट्रक्चर, हालांकि यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा इसलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जबकि इस NH2 ग्रुप के साथ ऐसा कोई लफड़ा नहीं है,
ऐसा कोई लफड़ा नहीं है सर एनएसटू ग्रुप के साथ। क्यों? क्योंकि यह एनएसटू ग्रुप सी डबल बॉन्ड से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, तो जो पार्टिसिपेट करेगा वो ये वाला करेगा पार्टिसिपेट, ये वाला नहीं करेगा। ऐसे याद रखना है आपको। अब ये वाला करेगा पार्टिसिपेट तो इसको लिखेंगे उसी तरह से, इस एनएसटू को सी एच डबल बॉन्ड होके पास लिखेंगे ताकि वाटर निकाल कर दिखाना आसान हो। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो देखो आंसर कैसे लिखना है आपको। इसको तो एज इट इज लिख देते हैं, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड ओ सी और ओ के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन LDH, और ये वाला एन एच टू ग्रुप हमें इस साइड लिखना है तो इसे अपोजिट करके लिख देते हैं, एन एच टू सिंगल बॉन्ड फिर एन एच फिर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ फिर सिंगल बॉन्ड एन एच टू ग्रुप। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एच पॉजिटिव जैसा उन्होंने दे रखा है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड। तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये कहाँ मिलेगा, एल्डिहाइड और कीटोन वाले पार्ट में मिलेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में मिलेगा, नंबर बी पॉइंट, नंबर बी केमिकल, 7 केमिकल रिएक्शन है टोटल। पहली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये बी वाली है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और नंबर बी में 5 अलग अलग चीज़ें जो मैंने अभी गिनाई थी आपको, उसमें ये आखिरी है सेमी कार्बाजाइड। वहाँ देखिएगा आप, वहाँ पर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन भी मिलेगा इससे रिलेटेड जो अभी मैंने बताया आपको। तो जब रिएक्शन होगी सेमी कार्बाजाइड के साथ तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, ये निकल गया H2O, माइनस करके लिख देते हैं H2O। ठीक है, एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का रिएक्शन जब भी, एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन जब भी NH2 ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ होगा तो हमेशा वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद इस कार्बन के देखो 2 बॉन्ड कम हो गए और इस नाइट्रोजन के भी देखो 2 बॉन्ड कम हो गए, तो वैलेंसी पूरी करने के लिए इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप भी बोलते रहना साथ साथ, आर सिंगल बॉन्ड सी एच फिर डबल बॉन्ड सी एच फिर डबल बॉन्ड फिर नाइट्रोजन फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड एन एच फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एन एच टू। ठीक है, ये बन गया ये प्रोडक्ट। तो बस हमने वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया और जो बच गया उसे जोड़ दिया हमने। ठीक है, सिंपल क्लियर है सब लोगों को, ये क्वेश्चन समझ गए सब लोग। तो इस तरह से आप कोई भी रिएक्शन इस तरह की कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का हमारा टारगेट ये क्वेश्चन कवर करना था कि जब भी किसी एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन NH2 ग्रुप वाले कंपाउंड से हो, NH2 ग्रुप आपको दिख गया और एल्डिहाइड और कीटोन दिख गया, तो एकदम से आपकी आंखें, ठीक है, चौड़ी हो जानी चाहिए बिल्कुल खुशी के साथ, क्योंकि हमें लॉजिक मालूम है। सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकालना है और वाटर मॉलिक्यूल को निकालकर बाकी जो बच गया उसे जोड़ देना है हमें। क्लियर है बात? तो चलो फिर आज का टास्क है यहाँ पर, इस वीडियो का टास्क खत्म हो जाता है। ठीक है, ये है पार्ट थर्ड जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड कराए। एक एक कर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एक एक वीडियो में, ताकि बहुत ज़्यादा लेंथ भी ना हो और आप एक एक कर, ठीक है, क्वेश्चन कवर करते रहें और उसका रिएक्शन को लिखने का तरीका और क्वेश्चन को समझने का तरीका आप लोग समझते रहें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, अगली वीडियो पार्ट 4, ठीक है, जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और आप प्ले लिस्ट में 12th क्लास की देख सकते हैं उसे। ठीक है, तब तक के लिए सब लोग रिवाइज करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड डू स्टडी जॉयफुली। ठीक है, डू नॉट स्टडी हार्ड बट स्टडी जॉयफुली। तो इसी जोश और हरोश के साथ हम मिलते रहेंगे, ठीक है, आगे की वीडियोस में। तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद, जय भारत।